बाबा ठीक तो हैं? भाभी एटलीस्ट आप तो बात करें मुझसे। मैं जानता हूं कि मनायल से शादी करने से पहले मुझे आपकी इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। कोई इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आखिर बालिग हो, खुद मुख्तार हो, जो जी में आएगा करोगे। वो तो गाड़ी बुक ना होती तो हमें तो पता नहीं चलता। हमने सोचा होगा कि छुप के निकाह कर लूंगा, बूढ़ा बाप है, कब तक जिएगा, एक दिन तो मर ही जाएगा, फिर अपनी मनमानी करूंगा, यूएसए चला जाऊंगा। बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तो और क्या कहूं, तुमने हमेशा मेरा सर झुकाया है। फरियाल के घर वालों को क्या जवाब दूंगा? अगर तुमने यही करना था तो इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और इसका जर्फ देखो, अभी भी इस छत के नीचे खड़ी हुई है। जानते हो क्यों? कि तुम्हारे निकाह में बंधी हुई है। उसके पास सिर्फ यही रिश्ता बचा है। इसके हक पर डाका डालते हुए तुमने एक लम्हा भी नहीं सोचा? बाबा माफी मांग रहा हूं ना आपसे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। बस तुमने जो करना था कर लिया, मेरे सबर का जितना इम्तिहान लेना था ले लिया, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर, जो कहेंगे वो करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दें। वक्त बड़ी जालिम शय है बेटा, गलतियां सुधारने का मौका भी उसे देती है जिसे गलतियों का एहसास हो, वरना उन्हीं गलतियों में रौंद डालता है। इनायत भी मेरी बेटियों की तरह है, फरियाल की तरह है, मैं उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इस गलती की सजा जरूर दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगे। कैसी सजा? तुम्हें आज ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, चले जाओ इस घर से, अब हम में से किसी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बाबा मैंने निकाह किया मनायल के साथ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप मुझे। एक बाप का बेटे पर भरम और मान तोड़ा है तुमने, ये गुनाह ना सही लेकिन नाफरमानी जरूर है, और इस नाफरमानी की मैं सजा तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम्हें अभी अपने बिजनेस, घर और जायदाद से आग करता हूं। निकल जाओ यहां से, जाओ। इब्राहिम अंकल, शाहजहन ने मेरी हक तलफी की है और मेरे साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मगर मैंने शाहजहन को माफ कर दिया है, आप भी प्लीज माफ कर दें। बहू फरियाल को कमरे में ले जाओ।